Naskar, very warm welcome to all our viewers and learners in this live phoning session of CIT and CRT. I am Renu Bhatt with you all, and you are watching us live on eVidya channel number 12 and on our NCRT officials YouTube channel as well. दिए लर्नर्स हम इस सेशन में बात करने वाले हैं मैथ्स के ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट सेकेंड अगर आप पार्ट फर्स्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो यू हैव टू एक्सप्लोर आर यूट्यूब चैनल दैट इज़ एन सी ई आर टी ऑफिशियल आप वहाँ पर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और अभी हम आपको मिलवा दें अपने एक्सपर्ट से जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चलिए उनसे मुलाकात करते हैं आप हैं मिस्टर राहुल सोफाट यू आर लेक्चर फ्रॉ मैथमेटिक्स फ्राम एयरफोर्स गोल्डन जूबली इंस्टीट्यूट न्यू डेली वेरी वॉम वेलकम सर वेलकम और इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें लेट मी गिव सम सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू ऑल व्यूअर्स एंड लर्नर्स, इन केस दे हैव एनी क्वेरी या फिर वो कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में तो बिना किसी हेजिटेशन के कि आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डबल एट डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन या फिर आप हमें ई करेंगे हमारा ई एड्रेस है डी डॉट क्लास ट्वेल्थ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं यानी कि एन सी ई आर टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हैं तो लाइव चैट बॉक्स पे जाके अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज़ के साथ आप हमसे जुड़े और अपनी सभी क्वेरीज के सोल्यूशन आप हमारे एक्सपर्ट से पाएं बट बिफोर वी बिगिन दिस इंपॉर्टेंट सेशन लेट मी गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद यू ऑल इट्स रिगार्डिंग इंडियाज जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी एंड वी आर इंडीड वेरी प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द जी ट्वेंटी एंड विल कन्वीन द presidency summit for the first time in the country in 2023, a nation that deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all, and in doing so, manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam न से होल वर्ल्ड इज वन फैमिली विद वेरी इंपॉर्टेंट पीस इन्फॉर्मेशन लेट अस क्विकली स्टार्ट दिस सेशन और सर हम आपके पास आएंगे जैसे हमने कहा <coughs> कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट सेकेंड पर बात करने वाले हैं तो पाँच सेकेंड पर हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले बहुत ही ब्रीफ में हम आपसे जानना चाहेंगे पार्ट फर्स्ट के बारे में सर या गुड आफ्टरनून लर्नर्स वी हैव इन अवर प्रीवियस सेशन डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन वट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वैन वी टॉक आउट डिफरेंशियल इक्वेशन एज द नेम सजेस्ट ऐसा लगता है कि डिफरेंशिएशन का टॉपिक है इट इज़ अ टॉपिक फ्रॉम कैलकुलस ऑनली बट यू आर इट इज यू नो एन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सो इफ यू हैव स्ट्रॉग इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट देन यू विल नॉट फेस मच प्रॉब्लम इन लर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन अवर फर्स्ट सेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव डिफाइंड वॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज जस्ट फॉर रिव्यू अ डिफरेंशियल इक्वेशन Is a relation between independent variable x, dependent variable y, and derivative of dependent variable with respect to independent variable. That means the differentials, the differential coefficients. So a relation between uh, these is a differential equation. And now, when a differential equation is given to us, what what we are expected of it? That means uh, we have to solve. We have to find the solution of the differential equation. So uh, one important thing you must know is that solution of a differential equation. Is a relation between uh, the independent variable x and the dependent variable y. So, we just uh, get rid of the derivatives. So, the differential equation malumuna j a differential equation may derivatives honge. either dy by dx or d2 y by dx2. And then next is you must know what what we are trying to do when a differential equation is given to you, we are finding its solution. And solution means Uh, हम एलिमिनेट करेंगे डेरिवेटिव्स को सो अ रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स वाई एंड एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वाई दे कैन बी डिफरेंट वेरिएबल्स ऑल्सो सो दैट इज वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस वैन यू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप्स एक जनरल सोल्यूशन निकालने निकालते हैं विच वी हैव ऑलरेडी डन यू हैव लर्न एंड अदर इज अ पर्टिकुलर परिकुलर सोल्यूशन In particular solution, we find one particular branch, uh, and um, in general solution, uh, the value c is an arbitrary constant which will be there in the solution. And in particular solution, we find a particular value of the constant and substitute it back, that is the difference. Uh, as the name suggests, differential equation, we have got three different types of differential equation. Broadly, we will divide the differential equation into three types which are there in our uh, curriculum first is variable separable second is homogeneous differential equation and third is linear differential equation we have discussed um, some cases of uh, variable separable uh, differential equation in our first lecture and some introductory part of homogeneous differential equation in this lecture we will continue with the homogeneous differential equation and in between uh, for your practice and for your understanding i'll be taking some cases of a variable separable as well, and then we will um, uh, slowly go to linear differential equation, and that is uh, what is there in our syllabus. Now, let us uh, solve another question from homogeneous differential equation. And um, if you remember in our last lecture, very clearly uh, you were told what is a homogeneous differential equation. And homogeneous differential equation, you will not be able to separate the variables. Now, see in this case x square minus 2y square plus xy, uh, we cannot factorize it into two factors so that one contains x and the other contains y. So, first of all, you will not be able to separate the variables. Secondly, a homogeneous differential equation can always be written in the form of y by x, a function of y by x or x by y. So, in this case, if you look here, x square dy by dx is equal to x square minus 2y square plus xy, this x square comes here and we are able to convert it into a form which tells us that it is a homogeneous differential equation. Because, see on the right hand side this is a function of y by x. So, wherever the variable is coming the ratio of the variables is coming which is y by x in this case and as you uh, we have learnt earlier also our standard substitution in all cases is putting y by x is equal to v. So, that y is equal to vx. Now, once you uh, substitute uh, y equal to vx, what we are actually doing is we are eliminating the variable y. So, a new differential equation will be there in terms of v and x. So, the two variables will be v and x, but then if y is equal to vx, both v and x are variables dy by dx is equal to first variable uh, I apply product rule v derivative of x is 1 plus second x and derivative of v is dv by dx. I am applying product rule here. Now we know value of dy by dx which I am substituting back in the differential equation. So v plus x dv by dx this value of dy by dx I am substituting here in this dy by dx. So v plus x dv by dx is equal to from here you see 1 minus 2v square plus v. So we get this and on solving v uh, will cancel out I uh, will be left with x dv by dx is equal to 1 minus 2v square. Now we have reached this uh, stage, the last step. If you see, now here the difference uh, from the original equation is we have eliminated the variable y, the new variables are v and x, and we will be able to separate the variables v and x. Now you see the next step on the side of dv, we write all the terms of v, and on the side of dx, we write all the terms of x. So this is known as uh, now. In fact, the, it, we started with the homogeneous. It is known as a homogeneous differential equation, but by this substitution, we are able to separate the variables. And here, if you remember, uh, d v upon this. This is a standard six special integrals which are there in your indefinite integral. This is d x upon a square minus x square. That formula. It is one by two a log one plus x upon uh, a plus x upon a minus x so these formulas you have learnt in your integration you have to um, apply here and integral of 1 by x all of you know is log x log of mod x plus c we can write as log c because c c is a constant when there are all other terms are having log then this c is also written as log c so why we, we are writing this c as log c because log c is also a constant and writing the constant in terms of log will be able to uh, eliminate the log that is the reason we do it here we though we have not uh, cancelled out you can even leave it in this log format only so final answer is 1 by 2 root 2 log this is a plus x upon a minus x and value of v is y by x and we simplify and we get this is the solution of the differential equation here it is a general solution so we can uh, stop here now coming to the next question find the general solution of this differential equation now you see here, uh, y dy plus x log y by x dy minus two x dy equal to zero. Now, um, children, um, just by looking at this, you get a clue, a very important clue that what type it is. So you don't have to really think over it again and again. This y by x and that too inside the log gives you an indication that it has to be a homogeneous differential equation because if, if you remember if you can recall our first lecture that a homogeneous differential equation is 1 which can be written in the form dy by dx is equal to function of y by x so because this y by x is there and we will not be able to uh, uh, separate these y's and x so here gives, uh, we get a very important hint that it is neither variable separable nor to begin with nor it is a linear differential equation so, I tell all my students that if you find this ratio of the variable somewhere and that too uh, not in a polynomial uh, structure, it gives you a hint that it is a homogeneous differential equation. So, what we do is see to begin with even the dy by dx format is not there. So, we write all terms of dy on the left hand side, terms of dx on the right hand side, and then take dy common from here. Next step we get dy by dx. And then, if you look at the right hand side, we first convert it into y by x format, which is helpful uh, in solving the differential equation. So, what I am doing is dividing both numerator and denominator by x, we get y by x upon 2 minus log y by x. This x cancels out because I am uh, dividing both numerator and denominator by x to get this step. Now, if you look here, it is a function of y by x which I am getting on the right hand side. So, I am substituting y by x equal to v so that y is equal to vx. So, when y equal to vx as in the original question dy by dx is v plus x dv by dx which I will substitute back in one. So, this is our first is our differential equation and the substitution is y equal to vx. Now, when you substitute the next step will be you will get this whole thing you will write in place of dy by dx and right hand side will be v upon 2 minus log v which is the next slide. V plus x dv by dx is equal to v upon 2 minus log v. Now, x dv by dx, this v comes on the right hand side, you take LCM 2 minus log v, right, and uh, taking LCM uh, something will cancel out, yeah, what we will get here is v minus 2v is minus uh, v log v, right, and simplifying this we will get this. See, basically you know this will be v log v minus v v log v minus v has come down here and 2 minus log v if you cross multiply will go to the other side and it will be in the numerator so 2 one step uh, we have missed here uh, but then uh, you can always write that uh, step it is just a simple sim, uh, algebraic simplification this 2 minus log v on cross multiplying will go to the other side and it will be in the numerator and v log v minus v comes down and on the right hand side you have d x upon x uh, students, one very important thing I want to tell you is both dv and dx should be in the numerator. So, dv is already there on the left hand side, this dx comes on the right hand side and in the numerator. And on the side of dx, I will write all terms of x, and on the side of dv, all terms of v. Now, this is the shape, the final shape the differential equation is in, right. Now, what next we will do is see, I will substitute log v is equal to t. Because what I am doing here is if you look back, yeah, if you look back here, this integral is not that simple to uh, find the solution. So, I am substituting this as i1. Now, when I put it is equal to i1, now this i1 is I am substituting log v equal to t, this log v equal to t because 1 by v I have to is coming to our help. So, if I substitute log v equal to t, I will get 2 minus t upon t minus 1. And dt because 1 by v this v this v is actually 1 by v so 1 by v dv is dt so 2 minus t t minus 1 dt now it is a you know a rational expression and that too an improper one in which the degree of numerator and denominator are same so just by uh, you know in spite of instead of dividing what we are doing is we are just doing some manipulation so that we get we are able to divide it and we get this format integral of 1 is t which i have written here because with respect to t we are doing an integral of minus 1 upon t minus 1 is log of t minus 1 plus c 1 so this is the solution of i 1 so this solution i will substitute back in the original equation 2 so i 1 was equal to d x by x substituting value of i 1 here in this i am getting log x plus c 2 because the right hand side is 1 by x and integral of 1 by x is log x plus c 2 and now this c 1 c 2 will you know will add up or uh, the final resultant will be only one constant which is c and I have written c as log c. Why c has written being written as log c? Because there is a log on the other side and these two logs will cancel out. So, once this log cancels out we get log our substitution was put y by x is equal to v. So, in place of v I will again uh, write y by x so, log y by x minus 1 upon x into y by x is equal to c and here this uh, y will come which will go to the other side. So, it will be log y x log y by x minus 1 is equal to cy because this y will come to the right hand side. So, log y by x minus 1 is equal to cy and another step this minus 1 also you shift to the right hand side. So, y by x you know if log this is a natural log here this log has the base we are using in this log is E. So, you if this log is removed from here, the other side will be raised to the power E. So, if log is removed, y by x, because the base is E here. So, y by x is equal to E raised to the power C y plus 1, and y is equal to x multiplied by E raised to the power C y plus 1. So, this is our solution. And if this is the final answer, hai, it is in terms of x and y and it is having an arbitrary constant as well so this is the final solution of the differential equation it contains x it contains y it contains an arbitrary constant c but it does not contain derivatives so this will take as a solution of the differential equation now uh, next question of homogeneous because see these type of questions they need lot of practice and your uh, most important thing besides the practice is that you have to go through your uh, integration chapter very well. All the rules of integration, whether indefinite or definite, uh, mostly indefinite, are applied in solving the differential equation. Differential equation is just a concept. So, we have got different differential equations of three types, those are not difficult. The problem you will find is if your uh, concepts of your integral formulas you are not very uh, well versed with.

Uh, it is one of the most uh, important uh, topics which has lot of applications okay. like carbon dating mein hamara differential equation ka use hai. Hmm. and um, newton's law of cooling uh, like uh, when a cake is baked and hmm. it is kept outside hmm. after how much time it will um, attain a particular temperature okay. like you know when there is a hot uh, hmm. bucket uh, 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 hot water bucket you mix the cold water in it and then wait और यू जस्ट कीप दैट हॉट बॉइलिंग वाटर एंड देन वेट सो स्टूडेंट्स को ये समझ आता है कि डिफरेंशियल ऑफ टेम्परेचर में कि इट इज़ बेटर टू मिक्स द टू वाटर्स मेक इट ऑप्टिमम करें टेम्परेचर को एंड देन आफ्टर 10-15 मिनट्स इट विल बी इट विल बी हैविंग गुड टेम्परेचर एंड कार्बन डेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मॉडलिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज यूज इन मॉडलिंग एज वेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमें अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आएंगे, तो विल लर्न विल बी एबल टू डील विद मैनी सिचुएशंस तो ये सारे एप्लीकेशन हैं जो बच्चों yeah. को पता होने चाहिए बच्चों आप ध्यान से सुने हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट सेकंड पे कोई क्वेरी हो तो आप जरूर बताएं कहीं पर अटक गए हैं या कोई भी डाउट हो आपको आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एन सी आर टी ऑफिशियल के लाइव चैट बॉक्स में आके आपको बस अपना कमेंट ड्रॉप करना दैट इज द फास्टेस्ट मीडियम कि आप हमसे जुड़ें और सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के पास चलते हैं सर या नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन दिस प्रॉब्लम क्योंकि ये देखने में बहुत uh, थोड़ा डरावना क्वेश्चन लग रहा है या सो इट हैज़ गॉट लॉट मेनी टर्म्स बट इट इज़ वेरी सिंपल बिकॉज एज आई हैव टोल्ड स्टूडेंट्स कि तुम्हें द प्रॉब्लम इज समटा स्टूडेंट्स फेस इन द बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ टू नो वेदर वॉट टाइप इट इज तो इस केस में हमें देखिए वी हैव गॉट टर्म्स ऑफ एक्स dy वाई dx राइट सो लेट मी जस्ट सी द इनिशियल पार्ट इसमें नाउ एज आई हैव टोल्ड यू मोस्ट ऑफ यू कैन जस्ट गेट दिस हिंट कि ये कौन सा टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन hmm. है अगेन वी आर हैविंग वाईबैक्स सो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जैसे लॉग वाईबैक्स है साइन वाईबैक्स है कॉस वाइबैक्स है दिस इज इनसाइड द एंगल एंड यू दिस कैनॉट बी सेपरेटेड तो एकदम देखते ही हमें मालूम हो गया कि ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है सेकेंड हमें यह भी मालूम हो गया है कि ये होमोजीनियस है बिकॉज वाई वा को हम वी पुट करेंगे बट बिफोर वी कन्वर्ट इड इन टू कन्वर्ट इट इट अ स्टैंडर्ड फॉर्म होमोजीनियस में एक साइड में डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए और दूसरी साइड में फंक्शन ऑफ वाई वा एक्स और एक्स बाय वाई इन दिस केस इट इज क्लियर दैट वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू द फॉर्म इन विच वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई वा एक्स सो वॉट वी डू इज वी राइट ऑल टर्म्स कंटेनिंग डी वाई बाई डी एक्स

द अदर टर्म विच इज हैविंग डीएक्स ऑन द राइट हैंड साइड सो अब इस फॉर्मेट में क्या हुआ अब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमें हमारे पास डी वाई का कॉफिशियंट आ गया और राइट right साइड में डीएक्स काफिशियंट है राइट सो डी वाई अपॉन डी एक्स नाउ वॉट आई एम डूइंग इज आई एम फाइंडिंग वैल्यू डी वाई डी एक्स फर्स्ट तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाई दिस एक्सप्रेशन तो इस फॉर्मेट में लाने का हमारा इट विल हेल्प ये हेल्पफुल होता है डिफ्रेंशियल uh, इक्वेशन को सॉल्व करने में बिकॉज हमें uh, उसको वाई फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट किया है तो वाई को हम वी सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड इट विल बिकम सिंपलर फॉर अस नाउ आफ्टर राइटिंग दिस आई एम डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वेयर आई एम डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वेयेयर सो दिस इज एक्सक्वेयर एक्सक्वेयर एक् स्क्वेयर एक्सक्वेयर सो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड बाय एक्सक्वेयर आई गेट दिस नाउ इफ यू लुक एट दिस फर्स्ट इक्वेशन इट इज़ द सेम डिफरेंशियल इक्वेशन विच वी स्टार्टेड विद but everywhere i am having y by x the variable is the ratio of the two variables y by x so y by x y by x everywhere and so dy by dx is function of y by x therefore it is a homogeneous differential equation now our substitution as usual is same put y by x equal to v y is equal to vx dy by dx is equal to v plus x dv by dx this value of dy by dx i am substituting here in the equation 1 here i have written put in 1 so, in place of dy by dx, we are substituting v plus x dv by dx, and on the right hand side, we are getting v cos v plus v square sin v. See from here, v cos v plus v square sin v, and in the denominator, this comes from here, v sin v, v sin v minus cos v. Here it is minus cos v, and then this v comes on the right hand side, and you have to just simplify a bit. After simplification, I will get this, and

डिनोमिनेटर विल गो टू द अदर साइड इन द न्यूमिनेटर और ये जो टू वी कॉस वी है इट विल कम डाउन नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ये स्टेप इंपॉर्टेंट है आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, आई एल इंटीग्रेट बोथ साइड्स सो लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट हम डी वी से करेंगे एंड राइट साइड को आई एल भी इंटीग्रेटिंग विद डी एक्स सो नाओ हेयर आई एम सेपरेटिंग दिस बाय दिस विच इज़ टेन वी डी वी बिकॉज वी साइन वी अपॉन वी कॉस वी इज़ टेन वी एंड कॉस वी अपॉन वी कॉस वी इज माइनस वन वी डी वी and right hand side is integral of 1 by x which is log x see most of the times uh, the question even which it looks uh, very difficult or complex in the beginning if you make the right substitution finally uh, the integrals which we have to do are very simple they are standard results only now tan v we know uh, integral of tan v is log sec v because tan can be written as sin by cos and derivative of cos is minus sin so, it is uh, minus log cos v or plus log sec v and integral of 1 by v minus log v because derivative are upper and uh, then this log uh, 1 by x is log x. I am shifting all the terms to the left hand side, c is a constant because everywhere there is log and just for simplification for purpose c is written as log c. Now, uh, I think all of you students uh, might be knowing about log a minus log b minus log c can be written as log of a upon BC. So log of sec v upon v x square right is equal to log c. Now this log log will cancel out sec y by x this v is y by x into x square is equal to c and finally sec y by x just cross multiplying uh, this denominator is x y. so sec y by x is equal to c x y. why I stop here. Because this is the solution of the differential equation, a more simplified form I have written. Here y by x aagya, either b x y aagya, it is containing an arbitrary constant c because it is a general solution or um, uh, it, it does not contain any derivatives. So, this is the final solution uh, which will stop here. Now, uh, I think, uh, uh, ma'am, any doubt any student has uh, forwarded? सर राइट नाउ टिल वी डोंट हैव एनी डाउट्स बट अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चा कैसे आइडेंटिफाई करे कि किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है सर हाँ देट दैट कम्स विद प्रैक्टिस ऑनली ओके क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन <laughs> हमारे पास ब्रॉडली थ्री टाइप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं ऑल द क्वेश्चन वन इज वेरिएबल सेपरेबल एज टोल्ड अर्लियर सेकेंड इज होमोजीनियस एंड थर्ड इज लीनियर तो अभी हम एक लीनियर है हमारा फाइनल लीनियर डिफ्रेंशियल इक्वेशन करने के बाद देन वॉट आई डू इज आई टेक क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइप्स एंड फाइनली हम लाइक इन सम होमवर्क और सम प्रैक्टिस क्वेश्चन आई वु गिव टू द स्टूडेंट्स एंड देन ब्रॉडली विल डिस्कस एटलीस्ट हम क्लास में ही इधर डिस्कस करेंगे लेक्चर में कि वो किस टाइप के हैं एंड देयर दैट प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट हाउ टू नो विस टाइप द क्वेश्चन इज आई इन द ड्यू कोर्स ऑफ द लेक्चर आई टेक दैट इन टू कंसिडरेशन फाइन सर अब अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज द फाइनल थर्ड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अब ये समझना है हमको कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है इट इज़ एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर यू कैन हैव अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनी ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकता है जिसमें हाइएस्ट डेरिवेटिव विल बी डी टू आई डी एक्स टू और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है तो बिकॉज इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसका फॉर्म ऐसा होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू दिस इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज लीनियर इन वाई बिकॉज सी लीनियर का मतलब क्या होता है लाइक लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन मीन्स टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री लीनियर मतलब एक्चुअली जो हम अब तक पढ़ते आए हैं वो है कि पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई इज वन दैट इज़ लीनियर एज क्वालिटी इक्वेशन में एक्सक्वेयर आता है तो सेम कॉन्सेप्ट सेम है अब लीनियर में मतलब कि जो हमारा वेरिएबल है इज वाई हेयर सी डिपेंडेंट वेरिएबल इज वाई सो आई एल जस्ट ये ये देखिए वाई तो लीनियर इन वाई है तो y मैक्सिमम पावर होगा वाई स्क्वेयर कभी नहीं होगा लीनियर में और dy वाई वाई डी एक्स ऑब्वियसली बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकेंड डेरिवेटिव भी नहीं होगा तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विल ऑलवेज बी इन दिस फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू और पी क्यू कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं और दे कैन बी फंक्शंस ऑफ एक्स ऑल्सो वाई का नहीं होगा इफ़ यू कन्वर्ट और जैसे अभी होमोजिनस में हमने सिखाया है बच्चों को कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स बाय वाई ऑल्सो कैन बी देयर बट रेशियो ऑफ द वेरिएबल्स विल बी देयर ऐसे हमें ये सीखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई इट इज लीनियर बिकॉज यहाँ पे वाई लीनियर है और डी वाई वाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर लीनियर है तो हाइएस्ट पावर हाएस्ट डेरीवेटिव डी वाई वाई डी एक्स होगा तो ये फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे डी वाई वे डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू बिकॉज इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इट विल हेल्प वो हमारे लिए ईजी बना देता है क्वेश्चन को सॉल्व करना और आगे उसके स्टेप्स को फॉलो करना सो वेयर पी एंड क्यू आर आइदर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ एक्स ऑनली सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम इधर डिस्कस करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल इज डी वाई वे डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स अब ये देखिए हाइस्ट पावर वाई है और डेरीवेटिव डी वाई डी एक्स है सो डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू उस फॉर्म में आ गया है और पी एन क्यू नेसेसरी नहीं है कि वो कॉन्स्टेंट हो दे कैन बी आइर कॉन्स्टेंट इधर क्लियरली रिटर्न ये अंडरलाइन भी किया दे विल बी आइदर कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स ऑनली सी आइदर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ एक्स ऑनली सो इधर पी का वैल्यू क्या होगा वन बिकॉज कॉप्शियंट ऑफ वाई इज पी ये वन है इधर पी और क्यू होगा हमारा साइन एक्स क्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स अदर एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो डी वाई बाय डी एक्स प्लस I can write this y upon x as 1 by x into y. This is also y by x, but हम y का coefficient अलग से लिखते हैं और is equal to e raised to power x. ऐसे लिखने का हमारा मतलब है to convert uh, it into this format dy by dx plus py is equal to q. Now इसको now if this इस differential equation को अगर हम इससे compare करेंगे dy by dx plus py equal to q, तो you can say that p is 1 by x

नो फाइनली वन मोर क्वेश्चन आई हैव टेकन कुछ नहीं करना है इसमें वाई को अलग से लिख लेते हैं इज नो डिफरेंस इन दीज टू द ओनली थिंग इज वाई को हमने वन अपॉन एक्स लॉग एक्स और मल्टीप्लाइड बाय वाई वाई इट इज़ अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्योंकि कोर्स में ही फर्स्ट ऑर्डर है तो सब डी वाई वाई डी एक्स के इक्वेश्चन्स आएंगे और वन अपॉन एक्स लॉग एक्स इज अवर वैल्यू ऑफ पी इट इज अ वेरिएबल बट इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली वाई में नहीं होगा ये और क्यू है हमारा वन बाय एक्स

सो इफ़ यू हैव एक्स यू डिवाइड बाय एक्स सो इफ़ यू आई डिवाइड बाई एक्स आई एम एबल टू राइट इट इन दिस फॉर्म राइट साइड में एक्स आएगा एंड कॉप्शियट ऑफ वाई इज़ दिस स्टूडेंट साथ में अभी आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए यू नो मैथमेटिक्स इज़ वन सब्जेक्ट इन विच यू हैव टू राइट तो इससे इसको कन्वर्ट करने में एक स्टेप लिख कर देख लीजिए सो वॉट यू विल डू इज़ ये डी वाई वाई डी एक्स का टर्म इधर ठीक है वाई की टर्म्स ये दोनों हैं दिस एंड दिस इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन लिया है हमने और ये जो x की टर्म है माइनस एक्स इट गोज टू द राइट हैंड साइड इट बिकम्स प्लस एक्स एंड देन यू हैव टू डिवाइड बाय x वंस यू डिवाइड बाय x तो इधर भी नीचे भी x आ जाएगा और ये जो हमारा है दिस x विल बिकम वन आई थिंक दिस x विल बिकम वन राइट साइड में जाने के बाद सो दिस इज अवर p दिस इज अवर p और राइट right साइड में जो हमारा कॉन्स्टेंट आएगा दैट विल बी वन बिकॉज कॉफिशेंट ऑफ वाई कॉमन लेने के बाद ये एक्स होगा यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स होगा यू कैन मेक दिस करेक्शन एक्स बाय एक्स विल बी वन सो दिस इज पी एंड अवर क्यू इंस्टेड ऑफ एक्स विल बी वन दैट यू कैन मेक अ नोट ऑफ नाउ सोल्यूशन ऑफ द डिफ्रेंशियल इक्वेशन लीनियर का सोल्यूशन के लिए दिस इज डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू नाव सेम थिंग आई हूव रिटर्न ये सेम एक बार फिर से लिखा है उसका ऑर्डर थोड़ा चेंज कर दिया पी वाई आई एम राइटिंग फर्स्ट डी वाई वाई डी एक्स आई एम राइटिंग आई हैव इंटरचेंज दीज टू टर्म्स बट सेम डिफरेंशियल इक्वेशन आई हैव रिटन नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ई रेज टू पार इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स वाई आईम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स बिकॉज दोनों साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को ई रेज टू दार इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद वी ऑब्जर्व दैट द लेफ्ट हैंड साइड Is d dx derivative of y into e raised to power integral of p dx, or right side becomes q multiplied by e raised to the power integral of p dx. And for your information, uh, this e raised to power integral of p dx is known as integrating factor. This uh, factor, is uh, term ko e raised to power integral of pdx dx co, we call this as integrating factor. So I am actually multiplying by integrating factor so left hand side becomes d by d x of y into integrating factor or right hand side is q multiplying uh, q multiplied by integrating factor now if you integrate both sides of this equation if you integrate both sides of this equation with respect to x integral and d dx you know these are two operators which are anti of each other they will cancel out A very simple example if you want you start with sin x uh, you differentiate sin x, you will get cos x, and then you integrate cos x, you will get sin x. So, if the dual uh, operations of integral and differentials are applied, so the two will cancel out and you will uh, be left with this function. So, when I am integrating both sides, so I am left with y into integrating factor is equal to, and on the right hand side, I will take integral of q into integrating factor dx. So, what I am trying to explain you here is. If you have this differential equation, every time there is no need to go through these steps, you can just remember this final result that y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dx. So, this is the final solution, and uh, why from where the solution has come, those steps I have written. Students who want to know that why uh, this we are using for that particular uh, um, uh, like uh, the formulation from uh, how I derived the final result but you can straight away apply this result right so again uh, in uh, to put it in uh, concise form for the differential equation dy by dx plus py equal to q solution is y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dx so this you have to remember this we have proved in our uh, previous slide that we started with the differential equation we multiplied both sides by the integrating factor we realized left hand side is derivative of y into integrating factor and right hand side is q into integrating factor and then on integrating both sides this, this is what we get so the result i have re rewritten uh, these results for the differential equation dy by dx plus py equal to q our solution is y into integrating factor is equal to integral of q multiplied by integrating factor dx where integrating factor is e raised to the power integral of p dx. And similarly, for the differential equation, uh, the other differential equation, you can uh, derive the results. Now, uh, uh, some uh, practice questions based on uh, our linear differential equation. Now, we will uh, find the solution of the linear differential equation. The first question which I am taking here is x dy by dx.

प्लस टू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वेयर वाई एक्स इज एक्स नाउ हेयर सी द स्टेप्स फर्स्ट इज कन्वर्टिंग इंटू डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट एंड देन राइटिंग वॉट इज पी एंड क्यू वॉट इज पी कॉफिशियंट ऑफ वाई सो पी इज टू अपॉन एक्स एंड वॉट इज क्यू क्यू इज़ एक्स नाउ वॉट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टूडेंट्स इधर देखो कुछ बहुत सिंपल है एक बार समझ आ गया है तुम्हें और थोड़ा तुम्हें इंटीग्रेशन मालूम है

log x square, e log will cancel out you will be left with x square. So, we have integrating factor ka value which is x square. Now, solution of this is y into integrating factor is equal to q into integrating factor dx. So, in this integrating factor you write y multiplied by value of integrating factor is x square. So, y into x square is equal to what is q here? q is our x square. No, no q is our x. Yeah x into x square, q is x, integrating factor is x square. So, q me humne x substitute kiya, integrating factor may x square. So, what we get is x cube and what is integrating of uh, integral of x cube which is x 4 by 4 plus c and generally um, we write uh, the answer uh, in terms of y in terms of uh, f x. So, uh, that is I think a uh, much better way of writing final answer. So, what I have done is

उसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है दैट इज आवर सेकेंड स्टेप वंस वी हैव फाउंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें ये इसमें सब्स्टिट्यूट करना है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स सबका वैल्यू है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हम सॉल्व निकाल चुके हैं ऊपर पी और क्यू का वैल्यू वी नो क्यू इज़ एक्स एंड देन यू जस्ट इंटीग्रेट दो सिंपल ऑन ओनली राइट साइड में इंटीग्रल है लेफ्ट में तो इंटीग्रल भी नहीं करना है इसमें ऑनली राइट साइड में

फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ़ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक हमने वी हैव डन क्वेश्चन ऑन यू नो जनरल सोल्यूशन अभी एक क्वेश्चन हम पर्टिकुलर सोल्यूशन का भी करना चाहते हैं नो पर्टिकुलर सोल्यूशन में वी आर गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन सी इफ यू लुक एट द डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज लाइक सिमिलर टू द जनरल सोल्यूशन क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड बट दिस Additional information is y is 0 when x is equal to pi by 3. So, we have p is equal to, uh, yeah, if you look here, what is p equal to? p is coefficient of y. So, p is equal to 2 tan x. Here I have written 2 tan x. And what is q? q is equal to this right hand uh, function which is sin x. So, p and q you will uh, find by your method which we have learnt earlier. Coefficient of y is p, therefore p is 2 tan x, and the right-hand side constant or function of x, whatever it is, it is taken as q. Now, integrating factor is e raised to the bar, e raised to the bar integral of p dx. So, integral of 2 tan x is 2 log sec x. Uh, this 2 you take in the power. Actually, you can write this as log of sec square x. So, because why I, am, I, I want to uh, write this 2 in the power? Because e and log will cancel out so if uh, you write this as e raised to the power log of sec square x then you will be left with sec square x so integrating factor we have to write it in the most simplified form so once you have obtained the integrating factor the next step is the solution directly you can write this y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dx will si substitute karenge y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है सेक्स स्क्र एक्स और राइट हैंड साइड में वी हैव गॉट साइन एक्स क्यू का वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज सेक्सक्र एक्स डी एक्स नाओ राइट हैंड साइड वी हैव टू इंटीग्रेट साइन एक्स इज हेयर सेक्स स्क्र एक्स को बच्चों ऐसे कैसे लिखोगे सेक्सक्र एक्स को यू कैन राइट वन बाय कॉ स्क्र एक्स नाओ इफ यू सिम्प्लीफाई दिस यू विल गेट सेक एक्सट एंड एक्स एंड यू नो सेक स्टैंड एक्स हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है इट इज़ द बिग्निंग में जब हम डिग्नोमेट्रिक जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ एंटी डेरीवेटिव सबको मालूम है डेरीवेटिव ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स टेन एक्स सो इंटीरियर ऑफ सेक एक्स टेन एक्स इज सेक एक्स ये सब फॉर्मूलाज याद रखने हैं सो वाई सेक्सक्वेयर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी नेक्स्ट स्टेप इज आयल सब्स्टिट्यूट दिस देखिए अगर ये जनरल सोल्यूशन होता तो वी वुड हैव स्टॉप्ड हेयर वाई सेक्सक्वेयर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी दिस इज द सोल्यूशन बट हमें ये एडिशनल वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू पाई वाय थ्री वाई इट इज गिवन टू फाइंड द स्पेसिफिक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सी तो हम क्या करेंगे वाई में आई सब्सटीट्यूट जीरो हेयर दिस होल थिंग विल बिकम जीरो और एक्स में आई पुट पुट पावाय थ्री दिस एक्स इज पाए वाय थ्री में सेक पावाय थ्री ना सेक पाए थ्री इज टू प्लस सी सो सी का वैल्यू निकल जाएगा माइनस टू एंड दिस वैल्यू ऑफ माइनस टू आई पुट बैक तो जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है उसमें इनिशियल पार्ट तो जनरल सोल्यूशन जैसा है विल अप्लाई द फॉमूला वॉट एवर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन बस वंस हमारा सोल्यूशन आ गया सी का पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है तो सी का वैल्यू कैसे निकलेगा एक्स में जब पाइवर थ्री पुट करेंगे और वाई में जीरो पुट करेंगे इन दिस सोल्यूशन सो अगर हम एक्स uh, में पाइवर थ्री पुट कर रहे हैं और हम वाई uh, में ज़ीरो पुट कर रहे हैं आई विल गेट दिस तो ये वैल्यू जो सी का है आई विल पुट इट इन द दोल्यूशन और नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में हमने वाई का वैल्यू निकाल दिया है कैसे बिकॉज वंस वैल्यू ऑफ सी इज देयर वाई सेक्सप्यर एक्स देखो दिन इज नो डिफरेंस बिटवीन लास्ट थ्री स्टेप्स तीनों बिल्कुल सेम है इसमें सेक्सप्यर एक्स है बस डिवाइड कर दिया है क्योंकि हमें वाई फॉर्मेट वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स में वी जनरली ट्राई टू राइट द आंसर बट इवन इफ यू स्टॉप हेयर दिस इज ऑल्सो परफेक्टली ऑल राइट तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है तीनों स्टेप्स में इज दैट क्लियर ये तीनों से दिस दिस क्वेश्चन है हमारे पास yeah. so, uh, एक दो questions हम और डिस्कस कर लेते हैं सो दैट स्टूडेंट्स आर वेल versed एंड क्लियर विद दिस concept ऑफ लीनियर लीनियर हमारा लास्ट टाइप है इसके बाद हम थोड़ा एक सब मिक्सड क्वेश्चन विल डू प्रॉब्ली इन अवर नेक्स्ट लेक्चर फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डी वाई वाई डी एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू ई रेस्टू और माइनस टू एक्स अब देखिए थैंकफुली ये हमारा एक सिंपल लीनियर फॉर्म में पहले ही दिया हुआ है देर इज नो नीड टू कन्वर्ट इट इन टू लीनियर फॉर्मेट डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से अगर कंपेयर करेंगे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू थ्री और q का वैल्यू आएगा e ई रेस्टर माइनस टू एक्स तो <coughs> p और q दोनों का वैल्यू आ गया है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई टू पर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स तो थ्री का इंटीग्रल होगा थ्री एक्स तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत सिंपल है इसमें ई रेस्ट पर थ्री एक्स और क्यू का वैल्यू है ई रेस्ट पर माइनस टू एक्स सी नेक्स्ट स्टेप में वी नो अब तो याद हो जाना चाहिए ये वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू क्यू मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स तो वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर वॉज ई रेस्ट पर थ्री एक्स क्यू वॉज ई रेस्ट ऊपर माइनस टू एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन ई रेस्ट पर थ्री एक्स सी जस्ट पीछे स्लाइड में दिखाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस्ट पर थ्री एक्स और क्यू का वैल्यू है ई रेस्ट टू दर माइनस टू एक्स सो इफ यू सी हेयर हमने वो क्यू में डाला है ई रेस्ट ऊपर माइनस टू एक्स और इंटीगेटिंग फैक्टर में ई रेस्ट ऊपर थ्री एक्स नाउ यू सी राइट साइड

और लेफ्ट साइड में वाई आएगा सो दिस इज अवर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ आई थिंक बिफोर फिनिशिंग आई वुड लाइक टू गिव यू सम वर्क विच इज गिवन एट द एंड एंड द अदर पार्ट विल डिस्कस इन द लास्ट थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट थ्री सो बट लाइक देर आर सर्टन क्वेस्च आर देयर या लेट अस कंसिडर दिस

वॉट डिफिकल्टीज यू विल फेस इज फर्स्ट पॉइंट इज कि हाउ यू विल नो कि हमें करना क्या है अगर क्वेश्चन में तो नहीं लिखा होगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया होगा कि ये वेरेबल्स है पेरेबल का है या होमोजीनियस का है तो स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे स्टेप्स सो दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू नो कि किस फॉर्म का ये क्वेश्चन है तो उसके लिए ये जस्ट लुक एट दिस तो हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई सो वॉट विल डू इज कैन यू सेपरेट द वेरिएबल्स देखिए एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वेयर को हम सेपरेट कर सकते हैं एक्स और वाई में मतलब फैक्टर्स बना सकते हैं एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वेयर को नो एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वेयर में यू कै नॉट फैक्टराइज तो वेरिएबल सेपरेबल इज रूल्ड आउट तो फर्स्ट पार्ट इज कैन यू सेपरेट द वेरिएबल्स नो नेक्स्ट देखिए इज इट होमोजीनियस देखो होमोजीनियस में जो वेरिएबल्स जो होते हैं अगर हमारा अलजैब्रिक है तो हर एक का डिग्री सेम होना चाहिए इधर x प्लस थ्री वाई स्क्वेयर है x का डिग्री इज़ वन और थ्री वाई स्क्र का डिग्री इज़ टू तो ऐसा कभी होमोजीनियस नहीं होगा चिल्ड्रन एक पॉइंट अपना समझ लो कि होमोजिनियस में जब अलजैब्रिक होता है तो हर आ, टर्म का डिग्री सेम होगा एक्स स्क्वेयेर होगा वाई स्क्वेयर होगा टू एक्स वाई होगा यूल हैव एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री वाई स्क्येयेर प्लस टू एक्स वाई और दूसरे टर्म में भी स्क्वेयर स्क्वेयर होगा क्योंकि होमोजीनियस में आ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में कंटेंस होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ज़ीरो तो ये होमोजीनियस भी नहीं है देखो दो बातें हमारी रूल आउट हो गई नाइदर इट इज़ वेरिएबल सेपरेबल एंड नॉट इट इज होमोजीनियस अब थर्ड इज इट लीनियर अब देखिए अब सोचना पड़ेगा ये लीनियर है या नहीं आई गिव यू सम टाइम टू थिंक वेदीज ऑफ दिस टाइप ये भी रूल आउट हो रहा है ये इसलिए रूल आउट हो रहा है कि डीवाई वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू में हुँ. हमारा वाई का पावर तो वन होना चाहिए ये देखिए वाई का पावर वन होना चाहिए पर इधर वाई स्क्वेयर है हुँ. तो अब इस ये डिफरेंशियल इक्वेशन में वो एग्जैक्टली exactly फिट होना चाहिए तभी वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर फिट होगा तभी वो पर्टिकुलर स्टेप्स हम यूज कर पाएंगे क्योंकि इधर हमारे पास वाई है और हमारे क्वेश्चन में ये वाई स्क्वेयर है तो इट इज नॉट लीनियर ऑफ दिस फॉर्म डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू भी फॉर्म में नहीं है नो 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 अब एक देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ना वेरिएबल सेपरेबल है ना होमोजीनियस है ना इधर इट इज लीनियर तीनों ही रूल आउट हो गए सो व्हाट विल डू इज थोड़ा और आगे देखते हैं व्हाट नेक्स्ट सो द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज इट इज लीनियर इन वाई में लीनियर नहीं है तो लीनियर इन एक्स हो सकता है सो लीनियर इन एक्स में आइल Convert it into dx by dy type. I'll convert it into dx by dy type. तो so, ये बन जाएगा हमारा x plus 3y square is equal to y into dx by dy. तो so, हम इसको reciprocate कर रहे हैं बस. This factor I am taking to the other side. x plus 3y square is equal to y. उधर जाकर ये dx by dy बनेगा. उसके बाद हमने dx by dy का value निकाला है, which is x plus 3y square upon y. And see. डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाय वाई एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई इसमें दिस इज लीनियर इन एक्स इट इज़ ऑल्सो अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बट इट इज लीनियर इन एक्स लीनियर इन वाई नहीं है तो इसका ये जो फॉर्म है इट इज डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू इसमें पी का वैल्यू एज डन अर्लियर पी इज माइनस वन बाय वाई क्यू इज थ्री वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला है सेम ई रेस्ट पर इंटीग्रल पी डी एक्स वो वन बाय वाई आ गया तो सोल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस है उधर वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था इधर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई सिमिलरली इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाय वाई पुट किया है हमने इधर भी वन बाय वाई उसको सॉल्व कर दिया एक्स बाय वाई इक्वल टू थ्री एक्चुअली ये कॉन्स्टेंट आ रहा है थ्री वाई वाई इज कैंसिलिंग आउट इंटीग्रल ऑफ थ्री इज थ्री वाई प्लस सी सो एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई लिखा है तो ये बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन था जो तीनों टाइप में नहीं होने के बाद भी फाइनली लीनियर निकला बट इट वॉज लीनियर इन

फॉर बींग विद थैंक यू सो वेरी मच क्या आप स्टूडियो आए और आपने हमारे सभी स्टूडेंट्स को इतने अच्छे तरीके से डिटेल इंफॉमेशन दी है डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट सेकंड लर्नर इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर अबाउट पार्ट फर्स्ट यू हैव टू गो टू आर यूट्यूब चैनल एन सी ई आर टी एफ वी शर आप वहाँ पर इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और अभी मुझे इजाजत दीजिए इस सेशन को वाइंड अप करने की लेकिन उससे पहले लेट मी शेयर अ वेरी इम्पॉटेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विद यो ऑल रिगार्डिंग इंडिया जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी एंड वी आर इंडीड वेरी प्राउड India will assume uh, G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. With that very important note, let me wrap up this session here only. Me, Renu Bhatt along with my whole team is taking your leave. Namaskar.